लखीमपुर खीरी की आदर्श नगर पंचायत मैलानी खीरी में स्वच्छ भारत मिशन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार COVID-19 कोरोना वायरस महामारी से साफ सुथरा रखने के लिए हजारों जतन कर रहे हैं। वहीं आदर्श नगर पंचायत मैलानी से तिकुनिया मार्केट जाने वाली मार्ग टंकी के पास पानी भरा हुआ है, उसी में कूड़ा डालकर वहीं कूड़ा सड़ जाता है और आसपास के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी लमसम 4 महीने से पानी की समस्या को देखते हुए तो पंपिंग सेट लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसकी नगर पंचायत परमानेंट 2 कर्मचारी भी लगाए जाते हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। हेलो हेलो, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मैलानी बोला सर। हाँ। रोहित कुमार मिश्रा, न्यूज 24 टुडे चैनल, जिला ब्यूरो लखीमपुर खीरी से बोल रहे सर। बताइए सर, आपकी चैनल पे रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड की जा रही है सर, आपसे जानकारी चाहेंगे। आपके नगर पंचायत में सर काफी दिनों से जो टिल्लू पंप जिसे बोलते हैं उससे पानी निकाला जा रहा है, इसके बारे में बताइए सर। ये नगर पंचायत मैलानी जो है एक्चुअल में चारों तरफ से लोलैंड के रूप में है जी, जी और यहाँ पर ये ईदगाह जो है वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है, उसके चारों तरफ हमेशा पानी भरता रहा जी सर। और इसमें अभी हमने 3-4 पॉइंट ऐसे लिए हैं जी सर, जहाँ पर पानी निकास की व्यवस्था की गई है जी जी। और टुल्लू से पानी निकालने का प्रयोजन ये है कि एक बार वहाँ के तालाब को जी जी खाली कर दें, और मौसम भी हमारे अनुकूल है, अब गर्मी का मौसम आ रहा है जी जी, जिससे कि ये खाली हो जाएगा, तो उस तालाब को हम पुनः सही से उसको खुदवा कर देंगे, तो उसका एक तो रिचार्ज की क्षमता बढ़ जाएगी जी, और दूसरा ये है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे पानी की अधिक उसमें आ सकता है। सर आपके द्वारा ये एक जानकारी और चाहेंगे, जिसमें सर अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अभी आज तक आपके यहाँ टिल्लू पंप 4 महीने से लगाया है, इस बात की अभी व्यवस्था क्यों, अगले मई चल रहा है, आज तारीख हो गई 2 मई और आगे 21 जून को मानसून आ जाता है, तो आप आगे कैसे संभालेंगे इसको सर, अभी जब आपकी नहीं संभाल सक नगर पंचायत संभाल पा रही है तो आगे नहीं, अभी तो सुधार हुआ है ना। आप हाटकोट विद्यालय के बगल में जो तालाब है, एक उधर दूसरा तालाब है, और हमने वाटर रिचार्ज पिट भी बनवा रहे हैं जी, अभी थाने के कैंपस में एक वाटर रिचार्ज किट बनवाएंगे ईदगाह के पास। इससे क्या है कि देखिए, कोई भी चीज इतनी जल्दी व्यवस्थित नहीं की जा सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और जरूर सफलता मिलेगी, समय आने पर दिक्कतों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे।